ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांगड़ा चंबा प्रत्याशी डॉक्टर केहर सिंह राणा ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश स्तरीय मुद्दों को साझा करते हुए बेरोजगारी को अभिशाप बताया है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी यदि सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांगड़ा चंबा प्रत्याशी डॉक्टर केहर सिंह राणा ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश स्तरीय मुद्दों को साझा करते हुए बेरोजगारी को एक अभिशाप बताया। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। चुनाव प्रचार के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रचार के लिए सांसद राजा राम हिमाचल आएंगे और 4 रैलियां आयोजित की जाएंगी। गौरतलब है कि केहर सिंह पेशे से वैज्ञानिक हैं और विश्व बैंक के कंसल्टेंट भी हैं। वे कनाडा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अपने हुनर का लोहा भी मनवा चुके हैं। कनाडा और भारत की राजनीतिक फर्क के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब भी दिया। यह मुद्दा जो समाजवादी पार्टी हिमाचल प्रदेश ने बहुजन समाज पार्टी को हिमाचल प्रदेश में अपना समर्थन दिया है, उसकी औपचारिक रूप से घोषणा करना था जो आपके सामने आया। किन मुद्दों के ऊपर सर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे हमारा वही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक मुक्ति एवं समानता। इन मुद्दों पर हमारा चुनाव, यही हमारा उद्देश्य है। इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ते हैं। कांगड़ा चंबा के लिए आप की क्या किस सोच के ऊपर आप कांगड़ा चंबा के क्षेत्र में या पूरे हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष हूँ मैं, हिमाचल के बारे में पूरी बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी की समस्या है, हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा हैं वो 1500 रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनको सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में उनको जॉब दिए जाएँ, जो पहले ही लाखों के हिसाब से पोस्ट हिमाचल में खाली या करोड़ों के हिसाब से 15 खाली हैं उनको भरा जाएगा। सर क्या सभी चारों सीटों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है बीएसपी द्वारा? जी, चारों सीटों पर हम इलेक्शन। आपने कुछ रैलीज भी बताई कि रैलीज होने वाली हैं यहाँ पे, तो बताइए। कांगड़ा लोकसभा में माननीय सांसद माननीय राजा राम जी जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, वो 14 तारीख को सनोल कांगड़ा में, 15 को पंजाड नूरपुर और 16 तारीख को सलोनी चंबा और 17 तारीख को पालमपुर कांगड़ा में रैली से। और भाजपा कांग्रेस के ऊपर आप क्या कहेंगे? वो भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके मुद्दों में और आपके मुद्दों में क्या फ़र्क है? भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा झूठे वादे करके, युवाओं को गुमराह करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर समाज को बांट कर इलेक्शन जीतना है। और हमारे मुद्दे सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक मुक्ति के लिए और समानता के लिए। थैंक यू। सोच का फर्क है। डेवलप्ड कंट्री में जिनको हम विकसित देश कहते हैं, वहाँ पे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग भेद के आधार, किसी दूसरे आधार पर राजनीति नहीं की जाती। वहाँ पे राजनीति पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से होती, विचारधारा के आधार पर होती है। पर भारतवर्ष में जो राजनीति है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर की जाती है। ये मेन डिफरेंस है। सर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम जो है, क्या इंडिया में भी वैसा ही है या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? हम कहते हैं कि आसमान और धरती का फर्क है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये सिखाता है कि जैसे मान लो ये हमारा जीवन है, यहाँ से ऊपर सोचने का, इमेजिनेशन पर, सक्सेस के कारण ढूंढने की, दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है कि नीचे सीखें, नीचे की तरफ सोचें, फेलियर के कारण ढूंढें, दूसरे को अप्रिशिएट ना करके उसकी कमियां निकाल कर उसको बेइज्जत करो, एक्सप्लॉइट करो, ये फर्क है। सर जीत की कितनी संभावनाएं लग रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कांग्रेस बीजेपी से इन्फ्लुएंस होते हैं, बीएसपी का वोटर भी साइलेंट होगा है, तो कितने जीत की संभावना है? ये तो पता ही है कि मीडिया सदा जो भी है वो बहुजन समाज पार्टी को कम आंकता आया है। उसका कारण ये है कि जैसे आपने कहा कि
बहुजन समाज पार्टी का वोटर सदा साइलेंट रहता है, उनके बीच में डर भी है तो उस करके वो साइलेंट है। जीत का तो मैं अभी ये नहीं कह सकता, वो तो मई 23 को पता चलेगा, पर ये पक्का है कि हम हर लोकसभा में और पार्टिकुलर कांगड़ा भी लोकसभा में कम से कम इस वक्त 1.5 और 1.25 लाख वोट के बीच में खड़े हैं। अब ये 1.5 और 1.25 लाख वोट हमारी जो विचारधारा है उसके आगे फैलाने से, लोगों तक पहुंचने से, या मेरा जो ये पार्टी के लिए योगदान रहा है, ये जो सोच है, पार्टी की सोच है, लोगों तक पहुंचाने से क्या ये मई 19 तक वोट्स में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये कन्वर्ट होगा और मई 23 को हम इस सीट को जीतेंगे।